बहुत सारी जाने गई हैं, मैं खुद बहुत सारी यात्राएं करती रहती हूँ, रेल यात्राएं करती रहती हूँ, लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं होता कि एकदम से उनके साथ क्या दुर्घटना होने वाली है। और ये मतलब रेल के जितनी भी दुर्घटनाएं हुई हैं उसके इतिहास में ये मुझे लगता है कि सबसे दर्दनाक है। जिस प्रकार एकदम से हम सभी को न्यूज़ मिली कि 275 से भी ज़्यादा लोग मारे गए और 1000 से भी ज़्यादा लोग। मिथिला की बेटी और प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर अपने एक निजी कार्यक्रम के तहत दरभंगा पहुंची, जहां उन्होंने एक शोरूम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मैथिली ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे, अभी तक जितने भी रेल हादसे हुए हैं उनमें यह हादसा सबसे भयानक और दर्दनाक है। इस हादसे में 275 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है तथा 1000 से ज्यादा लोग घायल। वही उन्होंने कहा कि जब हम सफर करते हैं तो अगर किसी प्रकार की छोटी मोटी घटनाएं घट जाती है तो अंदर से दिल बहुत उदास हो जाता है। इस तरह के हादसे में एक साथ इतने लोग की मौत सुनकर काफी डर लगता है। वही मैथिली ठाकुर ने कहा कि मैं खुद रेल से बहुत ही यात्राएं करती हूँ, लेकिन कभी कोई ऐसा सोचा नहीं होता है कि उनके साथ किसी प्रकार की घटना घट सकती है। वही उन्होंने कहा कि उड़ीसा के लोगों की तारीफ करते हुए उड़ीसा की वहां के लोग हादसे के वक्त एक दूसरे की सहायता कर रहे थे, जिससे साफ जाहिर होता है कि अभी भी वहां के लोगों के बीच इंसानियत जिंदा है। उनके बदौलत ही मरने वालों की संख्या में कमी आई, नहीं तो मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता था। वही मैथिली ने कहा कि जिनके घर में मौत हुई है उनके घर में क्या बीत रही है मैं खुद समझ सकती हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सभी लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाए तथा मृत लोगों को भगवान शांति प्रदान करे। वही मैथिली ठाकुर ने कहा कि मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि मृत परिवार को जल्द से जल्द मदद पहुँचाई जाए, क्योंकि जो लोग घायल हुए हैं वे लोग खुद कमाने वाले लोग हैं। हादसे के बाद उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी यह सारी बात मन में काफी आती है, क्योंकि जिनके परिवार के सदस्य इस हादसे का शिकार हुए हैं उनके यहाँ काफी सारी परेशानियां एक साथ आ गई होगी। वही उन्होंने कहा कि जब हम सफर करते हैं तो अगर किसी प्रकार की छोटी मोटी घटनाएं घट जाती हैं तो अंदर से दिल बहुत डर जाता है और ऊपर से इस तरह के हादसे में एक साथ इतने लोगों की मौत सुनकर काफी डर लगता है। बहुत सारी जाने गई हैं, मैं खुद बहुत सारी यात्राएं करती रहती हूँ, रेल यात्राएं करती रहती हूँ, लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं होता कि एकदम से उनके साथ क्या दुर्घटना होने वाली है। और ये मतलब रेल के जितनी भी दुर्घटनाएं हुई हैं उसके इतिहास में ये मुझे लगता है कि सबसे दर्दनाक है। जिस प्रकार एकदम से हम सभी को न्यूज़ मिली कि 275 से भी ज़्यादा लोग मारे गए और 1000 से भी ज़्यादा लोगों के जो इंजरीज हैं वो बहुत गंभीर रूप से घायल हैं। और मुझे एक चीज़ ये लग रहा है बढ़िया कि जो उड़ीसा के वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी वजह से कि उनके मतलब मुझे ये लग रहा है कि क्या बीत रही होगी उनके परिवार पर जिनके साथ इतना बुरा हुआ है। बस मैं ये चाहती हूँ कि सब कुछ जल्द से जल्द ठीक हो जाए, कहती हूँ कि उनके परिवार को जितनी जल्द से जल्द मदद पहुँचाई जाए, क्योंकि वो खुद या तो कमाने वाले लोग होंगे तो उनके परिवार को क्या बीत रही होगी। मतलब ये सभी चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान में आती हैं कि उनके परिवार जो छूट गए उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब आप लोग कलाकार कितना दे रहे हैं ट्रैवल करने के लिए? मुझे खुद वाकई आज भी हम लोग जब ट्रैवल करते हैं जितनी टर्बुलेंस होती है एकदम से दिल दहल जाता है, और ऊपर से रिसेंटली न्यूज ऐसे सुने कितने सारे लोग एक बार में मारे गए। इस न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा।